बिहार प्रादेशिक अग्रवाल महिला सम्मेलन का सावन के रंग कृष्णा राधा के संग ये चल रहा है प्रोग्राम। तो आप देख रहे हैं पटना नगरिया में लोग जो है खूब सावन को एंजॉय कर रहे हैं। आप जिधर चलें तो सावन का एंजॉय कर रहे हैं लोग, बजाबता राधा कृष्णा के रूप में बने हुए हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। आयोजन था सावन एक बड़े खुशियों का और प्रकृति से एकदम नज़दीक त्यौहार है, इसमें हर व्यक्ति झूमता रहता है। तो हम लोगों ने कोशिश होती कि महिलाएं रोज़ के जीवन से हटकर एक दिन इस पर्व को मनाएं, और इसी सोचते हुए हम लोगों ने हर वर्ष हम लोग ये पर्व मनाते हैं और केवल अपने लिए जीते हैं। इस समय खूब खेलते हैं, तरह तरह का गेम होता है, नृत्य होता है, गाना बजाना होता है, और कुछ दिन तक हम लोग भूल जाते हैं कि हमारा बचपन है कि हम बड़े हो गए। तो एक बड़ी अच्छी सोच है। लेकिन इस बार अग्रवाल समाज ने 3 एजेंडा लिया हुआ था, एक ही पौधारोपण करके अधिक से अधिक प्रकृति को बचाए, दूसरा कपड़े का बैग अधिक से अधिक लोग प्रयोग करें, और तीसरी बात ये थी कि जो प्रदूषण हमारे समाज में हमारे जीवन में फैल रहा है उस प्रदूषण को बचाने के लिए कम से कम अपने स्वस्थ दिमाग को यूज़ करें हम। उसी तहत ये कार्यक्रम भी होता है कि कुछ दिन के लिए हम स्वस्थ सोच के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। सावन मिलन में आई हैं और कैसे एंजॉय की सावन मिलन? आज बिहार प्रादेशिक अग्रवाल समिति के द्वारा सावन मिलन का आयोजन किया गया है, जिसकी जो अध्यक्ष हैं गीता जैन जी, उन्हें तो बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि करीब 2 साल के बाद इस तरह का एक भव्य प्रोग्राम हो रहा है और महिलाओं का सावन के मौसम में सबसे ज़्यादा खुश रहती हैं, क्योंकि उनके सजने संवरने का ये समय है और पूरा सावन जो है महिलाएँ मेहंदी रचाना और जितने श्रृंगार हैं वो सब अपने करती हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है आज का ये प्रोग्राम जो है, थोड़ा धार्मिक भी हुआ क्योंकि इसमें राधे कृष्ण के द्वारा डांस किया गया और सारी महिलाएं जितनी भी आई हुई खूब इंजॉय की, मैंने भी खूब इंजॉय किया है। धन्यवाद। तो सावन है और सावन में मोर डांस ना हो तो बने रहिए पटना नगरिया पे, हम आपको दिखाते हैं मोर डांस। आप देख सकते हैं पीछे मोर बन करके आए हुए हैं, तो बिल्कुल ये सावन का रंग में बिहार प्रादेशिक अग्रवाल महिला समाज का ये सावन मिलन है। तो देखिए सावन में राधे कृष्ण और मोर बन करके आए हैं लोग, ये कहाँ से आप लोग आए हैं? जी मैं पटना सिटी से आया हूँ, ये बिहार प्रादेशिक मेवाड़ी सम्मेलन समिति की तरफ से महिलाओं लोग के द्वारा सावन मिलन समारोह हो रहा है, जिसमें हरा भरा सावन राधा कृष्ण के साथ झूले के संग हम लोग पूरा पटना सिटी ग्रुप आशीष जोनी का आया हुआ है यहाँ, और हम लोग डांस देख के लोग इतने खुश हो रहे हैं, तीन लोगों को दूसरा चीज़ खेलने का मन ही नहीं कर रहा, खाली ओनली फॉर डांस 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 हल्ला कर रहे हैं ये लोग। हम लोग ठीक है, पहले आप लोग इन्जॉय कर लीजिए फिर हम लोग डांस करेंगे ही। मैं आशीष जोनी। आप राधा बने हैं, कृष्ण बने हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि कोरोना काल के बाद ये बहुत
मुश्किल से ये समय आया है और इस समय का सदुपयोग करें और बहुत खुशी पूर्वक एक दूसरे से मिल करके सावन को एंजॉय करें और सब एक दूसरे से मिलजुल के रहें, क्योंकि ये वक्त फिर लौट के आने वाला नहीं है। तो आपके पास जो समय है उसका सदुपयोग करिए और हैप्पी सावन। तो देखिए अभी बने रहिए पटना नगरिया पे, और ये देखिए बहुत अच्छा मोर डांस कर रही थी, इनसे बात करते हैं। आज सावन का प्रोग्राम करने हम लोग आए हुए हैं पटना दादी मंदिर में, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अधिक से अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल पटना नगरिया को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही वो बेल वाला घंटी है ना, उसे बजाना ना भूलें, क्योंकि हमारा जो वीडियो अपलोड होगा वो आप तक उसकी जानकारी मिलते रहेगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल वाले घंटी को प्रेस करें। जय हो पटना नगरिया, जय हो पटना नगरिया। पटना नगरिया तू देख बबुआ, अगर घूमना है पटना नगरिया तो हमारे चैनल पटना नगरिया के साथ जुड़िए और देखते रहिए पटना।